अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। नौ मई के मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अलीमा खानम, अस्मा खानम, हाफिज फरहत, आजम सवाती और दीगर की जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। इस पर बात करेंगे बादुल हक से। जी बादुल हक, बताएगा समाअत का अहवाल। अपने नुमाइंदे से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। नौ मई के मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई है। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अलीमा खानम, उस्मा खानम, हाफिज फरहत, आजम सवाती और दीगर की जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसीक की है। इस पर बात करते हैं एक बार फिर से बादुल हक से। जी बात बताएगा समाअत का अहवाल। उन्होंने अपनी जमानत के लिए गिरफ्तारी के खदशे पर जो है दहशतगर्दी की अदालत से रजू किया था। आज उनकी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होगी, लेकिन इनमें से उमर जो है असद उमर जो है उमर अयूब हैं वो पेश नहीं हुए। इनके अलावा दीगर जो रहनुमा थे वो भी पेश नहीं हुए। बानी चेयरमैन पीटीआई की बहनें जो है गिरफ्तार होने की वजह से आज अदालत में पेश नहीं हो सकी, इसलिए इन तमाम लोगों की जानिब से जो है एक पेशी के लिए यानी एक समाअत के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और उनकी अबूरी जमानत में तौसीक कर दी है। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया।